Alright, welcome back to my channel, Indian Echo Boy, back with a new video. So I'm back at Nandita Aquarium, say hi to Raghavan bhai. तो आज जल्दी जल्दी में आज फिश उतना नहीं है तो हम फिश की लिमिटेड कलेक्शन दिखाएंगे प्लस बेसिकली इट्स अ बेसिक टूर ऑफ द फुल शॉप जिसमें जल्दी से हम कवर करेंगे कि एक्वेरियम और उनके प्राइजेस देन डेकोरेटिव पीसेस हैं लाइट्स है फिल्टर्स है पूरा एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास और इनके पास एक्स्ट्रा क्लियर ग्लासेस भी आ गए हैं तो हम आज बेसिकली मिक्स ऑफ द फूड एक्वेरियम और एक्सेसरीज सबकी हम बात करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सबसे छोटे एक्वेरियम से तो राघव भाई आपके हाथ के जो भी एक्वेरियम है क्या साइज है और क्या प्राइस है 12x6x6 है ओके एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है ओके 250 होता है ठीक है और बाकी नेक्स्ट में नेक्स्ट आता है आपको 350 में आता है नेक्स्ट साइज 12x6x8 है ओके तो थोड़ा लंबा आता है ये पहले वाले से हल्का सा बड़ा हो जाएगा हाँ 12 बाई सेम साइज है हाइट ज्यादा आता है अच्छा ओके 12 बाई 6 बाई 8 है ओके और इसका 350 है 350 हां ठीक है देन नेक्स्ट कौन सा है आपका नेक्स्ट तो 18 बाई 9 है उधर ये सबसे पहला वाला हां ओके 18 बाई 9 बाई ये वाला आता है आपको 18 बाई 9 बाई 12 है ओके इसका टैंक टॉप 850 है ओके एक्स्ट्रा क्लियर है ओके फिर इसका क्या साइज है इसका 24 बाई 12 बाई 12 है ओके इसका आता है आपको 1250 1250 इसमें अभी 15 का भी आता है 1450 इसका बड़ा ठीक है बाकी फिर इन एक्वेरियम्स के क्या प्राइस हैं ये वाला आपको 30 बाई 12 बाई 18 है ओके नीचे एल एंगल स्टैंड है ओके पूरा स्टैंड का था तो इसका 4000 पड़ता है फाइनल ओके और फिर ये वाला उसका बाद ये 36 बाई 15 बाई 18 है ओके बेसिकली 3 फीट का है 3 फीट का है 36 बाय 15 बाय 18 है विड्थ okay. भी ज्यादा है हाइट भी ज्यादा है तो इसका कितना प्राइस होगा उसको 6750 और रघुन भाई पीछे रखे हुए हैं पूरे इंपोर्टेड टैग हां इंपोर्टेड स्टार्टिंग होता है भैया उसमें 1350 से स्टार्ट है वो जो सबसे छोटा वाला है सबसे छोटा 1350 ओके फिर उसके 1750 ओके उसका बाद 2000 ओके उसका बाद 2000 700 ओके उसका बाद 3750 ओके एंड देन लास्ट हां उसका बाद 5000 का भी आता है ओके सो ये सारे इंपोर्टेड टैंक्स का कलेक्शन है बाद में ये हमारा पास ये में ज्यादा मिल जाएगा आपको कवरेड है फाउंटेन का अच्छा फाउंटेन है आप सब मोटर है सबमर्सिबल पानी निकालने के लिए सब कुछ मिल जाता है ओके और आपके पास फिलहाल अभी टाइस आया है नया पूरा नया एक्सेसरीज आया पूरा एक्वेरियम गाइस सो आप ये देख सकते हो इनका बेसिकली कितना प्राइस रेट तो वो 200 250 300 350 अच्छा सो इट्स 550 और नॉर्मल रेट ही आता ज्यादा नहीं है ओके सो 200 रुपए से स्टार्ट होता है बाद में इधर देखो फूड आनी फूड आता है उसके बाद पूरा फिश फूड आता है इसमें थोड़ा नेचुरल थोड़ा अच्छा है क्वालिटी वो भी मिल जाएगा ओके पानी गलीज नहीं होता उसमें ओके आपके पास यहाँ पर भी फूड है काफी वो देखो फूड है ये पूरा फूड हो गया और प्लस आपके पास फिल्टर्स में कौन सा है एक आप दिखा रहे थे हाँ ये नया सैमसंग का है थोड़ा कॉस्टली होता है फिर भी क्वालिटी अच्छा रहता है ओके इसमें लाइफ टाइम ज्यादा आता है सैमसंग का ओके ये तो काफी बढ़िया हाँ ओके हाँ तो ये कितने का पड़ता है ये वाला ये वाला आपको पड़ता है 1250 बट ये काफी बेटर होता है बेटर है सबसे नॉर्मल ब्रांड से थोड़ा लाइफ ज्यादा आता है लाइफ टाइम ज्यादा आता है ओके फिल्ट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा आपको अच्छा जी और थोड़ा सा आप रघुन भाई अपने वहाँ पर पूरे मेडिसिन रखे हैं बता दीजिए कौन कौन से मेडिसिन हैं आपके पास मेडिसिन तो बहुत है इसमें आपको पैरासीटामोल है ट्रेसिल है ओके बाद में ये आता है हाँ ये अच्छा थोड़ा एंटीसेप्टिक का मेडिसिन भी मिल जाएगा ओके मिस्टर ब्लू में वो फ्लोरॉन के लिए वार्म आउट आता है ओके वो बाद में वाटर क्लियर आता है मेडिसिन ये तो मेरी फेवरेट है पैरासीटामोल हाँ बहुत अच्छा काम करती है ये भी अच्छा क्वालिटी है एंटीसेप्टिक है ना वो थोड़ा अच्छा काम करेगा आपको बहुत काम करता है ओके और फिर ये हमारा स्ट्रेस हीलर है बाद में ये प्लांटेड के लिए फोटो कार्ड ओके तो ये पूरा आपका मेडिसिन सेक्शन है मेडिसिन है पूरा तो राघवन ये सब क्या है आपका ये तीन बार चेंज होता है कलर चेंजिंग लाइट है अच्छा ये अच्छा जो मेरे को दिया था आपने थ्री ऑप्शन रहता है इसमें हमको कौन सा चाहिए वो लगा सकता है इसमें ओके ओके सो इनके क्या स्टार्टिंग प्राइस होते हैं और भैया इसमें होता है कि 350 400 450 अच्छा साइज के ऊपर डिपेंड होता है ओके ओके नॉर्मल से 100 रुपए कम नॉर्मल से थोड़ा 100 रुपए ज्यादा आता है तीन लाइट ऑप्शन होते हैं
तो गाइज ये था बेसिक सा पूरा, मतलब नॉट वेरी एग्जैक्टली, इतना डीपली हमने नहीं लिया, बट पूरा दिखा दिया कि एक्वेरियम ही हैज द सेल्फ मेड और प्लस इम्पोर्टेड सारे हैं, और कलेक्शन आपकी टैंक वो सब एक्सेसरीज दिखा दिया। अब चलिए अभी बेसिक्स का एक जो इनका फिश कलेक्शन है एट दी मोमेंट उसकी भी ग्लिम्स दिखा देते हैं, फिर हम उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये था बेसिक सा टूर नंदिता एक्वेरियम का, जिसमें हमने पूरी एक्सेसरीज और फिश कलेक्शन को कवर किया है। आगे भी हम करते रहेंगे। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स जानना है तो आप राघवन भाई को रिफ्लेक्टेड जो रबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। बेसिकली दिस शॉप इज़ इन कृष्णा राजपुरम बैंगलोर, तो आप आसपास अगर हैं तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड चेक आउट द प्राइजेस एंड द शॉप हियर। और बाकी ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है और यू वांट टू बी अपडेटेड अबाउट द फिश एंड एवरीथिंग, सो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यू विल गेट मोर अपडेट्स। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।